दोस्तों फाइनली जो है ना सैमसंग का वन यूआई 7 जो है ना ऑफिशियली जो है ना सैमसंग की तरफ से काफी सारी चीजें जो है ना सामने आ चुकी हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और अगर आप एक जो है ना सैमसंग यूजर हो तो दोस्तों और आप इस वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो है ना काफी इंटरेस्टिंग जो है ना फीचर्स बताने वाला हूं जो कि सैमसंग के वन यूआई 7 में होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई वन यूआई 7 का अपडेट सैमसंग यूजर को कब देखने को मिलेगा। दोस्तों उसका जो बीटा है वो तो स्टार्ट हो जाएगा अभी से, और उसके बाद उसका जो ऑफिशियल जो स्टेबल अपडेट है वो हमें देखने को मिलेगा सैमसंग की S25 सीरीज के साथ, जो कि जनवरी 2025 में लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों सुनने में है कि भाई जो सैमसंग की S25 सीरीज है, सैमसंग का जो S25 अल्ट्रा होगा, उसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 या फिर उसका एक नया नाम जो है ना सामने आ रहा है स्नैपड्रैगन 8 इलीट के नाम से, वो जो है ना सैमसंग के S24 अल्ट्रा में आने वाला है। तो वो थोड़ा जो है ना ओवरक्लॉक होगा, जिससे जो स्पीड और जो परफॉर्मेंस होगी वो हमें डेफिनेटली अच्छी देखने को मिलेगी। और जो बाकी जो S25 और S25 प्लस होगा उसमें हमें एक्सिनोस का 2500 प्रोसेसर जो है ना देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों वन यूआई 7 का अपडेट जो है ना जब आएगा ऑफिशियली, तो सैमसंग की जो S25 सीरीज है स्पेशली, और भाई सुनने में आ रहा है कि भाई अभी ऑलरेडी सैमसंग के जो एनिमेशन हैं, जो स्मूथनेस है, वो ऑलरेडी एप्पल्स को जो है ना बराबर की टक्कर दे रही है। लेकिन दोस्तों S25 अल्ट्रा या फिर S25 सीरीज से सुनने में आ रहा है कि भाई वन यूआई 7 के अपडेट के बाद और भी ज्यादा जो है ना सैमसंग के फोन जो है ना स्मूथ हो जाएंगे, और जिससे जो परफॉर्मेंस है और जो स्मूथनेस है, जो एनिमेशन है, वो एप्पल से भी कहीं ज्यादा जो है ना अच्छे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो उसके अलावा जो है ना दूसरी जो बड़ी चेंजेस होने वाली है वन यूआई 7 में, वो है उसका नोटिफिकेशन पैनल, कंट्रोल पैनल। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली एप्पल ने भी अपने iOS 18 का जो उसको थोड़ा कस्टमाइज करने का ऑप्शन जो है ना दे दिया था। सैमसंग भी अपने जो है ना वन यूआई 7 के साथ अपने जो है ना सभी गैलेक्सी फोन में जब ये अपडेट आ जाएगा तो उसमें जो नोटिफिकेशन पैनल है, जो कंट्रोल पैनल है, उसको थोड़ा जो है ना रीअरेंज करने वाला है, और काफी सारी चीजें वहां पे ऐसी होंगी जो हमें थोड़ी फ्यूचरिस्टिक जो है ना लुक देंगी। और जो बैटरी का जो ऑप्शन रहता है सैमसंग का ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में, वो भी थोड़ा जो ना राउंडेड टाइप का दिखने वाला है। और जो कंट्रोल पैनल है वहां पे जैसे वाईफाई या जो भी ऑप्शन वहां पे दिखाई देते हैं ब्लूटूथ के, तो वो भी थोड़े जो ना राउंड हो जाएंगे। और दोस्तों उसके अलावा जो है ना वन यूआई 7 में उसकी जो सेटिंग है, उसके जो ऑप्शन है, उसको भी सैमसंग थोड़ा जो है ना चेंज करने वाला है, थोड़ा रीअरेंज करने वाला है, थोड़ा सिंपल शॉर्टकट जो है ना बनाने के चक्कर में है सैमसंग। तो ये चीजें थोड़ी बहुत चीजें जो है ना लाजम चेंज होंगी, और उसके एनिमेशन ये चीजें, तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप बताएं कि आप जो है ना सैमसंग के वन यूआई 7 को लेके कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, चैनल में भी मुझे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है वन यूआई 7 से रिलेटेड तो मैं आपको जो है ना बता दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।